Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe and fit and fine at home. So today we will color a paint bucket. It's given in your drawing book, page number 3, class 7. So here we are starting coloring. आपको क्या करना है, जो आपको ये पेंट बकेट दी हुई है इसके अंदर आपने ब्राइट कलर यूज़ करने हैं, कोई भी बच्चा डल कलर्स यूज़ ना करे। और सबसे पहले आप इस क्लाउड को रीड कीजिए। टेक आउट योर पेंसिल कलर्स एंड कलर द पिक्चर ऑफ पेंट बकेट ब्यूटिफुली। आप अपने पेंसिल कलर्स निकालिए और इस पेंट बकेट को पेंट कीजिए। पेंट करने का मतलब है कि किस तरह के कलर से आपने इसको पेंट करना है, पेंसिल कलर से। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है पेंसिल कलर्स। इंस्ट्रक्शंस जरूर आपने पढ़नी है, रीड जरूर करनी है, तभी आपको पता लगेगा कि हमें जो कलर्स हैं वो कौन से इसमें यूज़ करने हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि आपके जो कलर्स हैं वो प्रॉपरली शार्प हों, पहले से वो शार्प होकर रखे रहें, ठीक है। उसके बाद अपना कलर स्टार्ट कीजिएगा। तो कलर में आप ब्राइट कलर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक आई एम यूजिंग पर्पल कलर। सो देखिए इसको कैसे करना है। आपको वही मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो में कि इसको आपने वन स्ट्रोक में करना है। सो ध्यान से देखिए इसको, इसको आपने करना है वर्टिकली, क्योंकि जो बकेट है वो आपकी अप टू डाउन है, ऐसे लेंथ वाइज है, वर्टिकली करनी है आपने इसको। सो इसको अप टू डाउन करना है, नॉट लेफ्ट टू राइट। सो इसको आप अपनी ड्राइंग बुक को आप इस तरह से रख लीजिए, सो दैट कि जो आपका हाथ है वो अप टू डाउन चले, और धीरे धीरे आप इसमें कलर करते चले जाइए। हाथ का प्रेशर आपने कम रखना है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर रखने से कई बार इसका लेड जो है वो टूट जाता है। और इस चीज़ का भी आपने ध्यान रखना है कि बीच में वाइट स्पेस ना रहे, साथ साथ इसको देखते जाइए। अगर किसी बच्चे को एक बार में नहीं समझ आता तो इस वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। धीरे धीरे आप चलते रहिए इसको। जैसे सपोज आपने इसको अभी वन लेंथ कंप्लीट किए, सो नेक्स्ट थोड़ा थोड़ा पार्ट इसका आप कंप्लीट करते जाएंगे, सो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी और इजीली आपका काम हो जाएगा। आउटलाइन का आपने ध्यान रखना है कि आउटलाइनिंग जो है वो कलर के बाहर ही रहे, कलर इससे बाहर ना निकले। आउटलाइनिंग बाहर रहेगी और कलर आपका अंदर की तरफ आप इसको फिल करोगे। जो स्पेस है वो धीरे धीरे छोड़ते चले जाइए आप, लेकिन जो स्ट्रोक है वो आपका वन साइडेड रहेगा, अप टू डाउन या फिर लेफ्ट टू राइट। इस चीज़ का अपने ध्यान रखना है। कोई भी बच्चा ये टेढ़े मेढ़े नहीं करेगा कि अब मैं ऐसे शुरू कर दूँ ऐसा कर दूँ, उससे आपको सारा है कि सारी जो आपकी ग्रेस है, आपकी पेंसिल कलर्स की ग्रेस है, फिलिंग की ग्रेस है, वो सारी ख़त्म हो जाएगी, उसका कोई बेनिफिट नहीं रहेगा आपके लिए। सो इस चीज़ को बहुत ध्यान से देखिए आप, स्लो करना है आपने। सो दैट कि जो कलर है वो अंदर की तरफ ना फिल हो जाए, इसके जो शेप्स दी हुई हैं इसको आपने ध्यान से रखना है। और जब लगे आपको कि हाँ ये लेड जो है वो थोड़ा ज़्यादा ही आपका ये स्क्रैच्ड हो चुका है, सो उसके बाद आपने इसको एक बार शार्प कर लेना है। और जो इसके पेंसिल शेविंग्स हैं वो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप सभी डस्टबिन में ही थ्रो करें, ठीक है। जो आपके टीचर ने आपको पहले सिखाया है कि जो भी चीज़ आप वेस्टेज है वो सारी आपकी डस्टबिन में जाएगी। मेरे साथ साथ आप करते रहेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। कलर्स आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, ये नहीं है कि सर ने पर्पल कलर यूज़ किया है तो पर्पल ही करना है। आप इसकी जगह ऑरेंज, येलो, रेड, ग्रीन, ब्लू ये यूज़ कर सकते हो। ब्राउन, ब्लैक कलर ना यूज़ करना, क्योंकि वो थोड़ा डार्क में आ जाते हैं तो वो आपकी जो पेंटिंग की ग्रेस है वो ख़राब हो जाएगी। लाइट कलर आपने इसमें यूज़ करने हैं। बीच में ऐसा भी होता है कि कई बार
आपके कलर करते हुए हैंड्स में पेन होनी शुरू हो जाती है क्योंकि आप लगातार करते हैं, तो बीच में आप इसमें रेस्ट ले सकते हैं, एक दो मिनट का रेस्ट लीजिए और फिर अपनी कलरिंग स्टार्ट कर दीजिए। अब अगर वन स्ट्रोक करोगे तो वो अच्छा लगेगा, वन स्ट्रोक रखना है आपने। कलर की वेस्टेज नहीं करनी बिल्कुल भी। ये देखिए धीरे धीरे आप करते चले जाइए इसको, क्योंकि एरिया बड़ा है तो आप बीच में रेस्ट ले सकते हैं। जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ आप इसकी आधी स्पीड यूज़ कीजिए, स्लो करना है आपने, धीरे धीरे करना है। स्ट्रोक जो है वो आपका वन साइडेड रहेगा, बिगाड़ना नहीं है, अदरवाइज़ जो आपकी पेंटिंग की ग्रेस है वो ख़राब हो जाएगी और फिर टीचर आपको एक्सीलेंट के बजाय गुड या एवरेज दे करके आपको यहाँ सेटिस्फाई करेगा कि चलो अब आपको जैसी आपने पेंटिंग की है उसी हिसाब से आपको गुड या एवरेज मिलता है। सो इस चीज़ का ध्यान रखना है। नाउ पर्पल कलर हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो इसको इसमें और ग्रेस देने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम रेड कलर करेंगे, क्योंकि जो हमारी बकेट है वो उसमें जो ऊपर पेंट है वो रेड कलर का गिरा हुआ है, इसमें हम रेड फिल कर देंगे। और ये यहाँ पे क्योंकि जितने भी ये स्प्लैशेस हैं वो सारे हमारे रेड कलर के आएंगे, रेड कलर हमारा एक ब्राइट कलर है और वो अच्छे से ग्रेस देता है इसमें पेंटिंग में आपकी। आप इसमें मल्टी कलर यूज़ कर सकते हो, येलो ब्लू पिंक जो भी आपको अच्छा लगता है, इसकी कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको यही कलर्स यूज़ करने हैं, इट्स अप टू यू कि आप कैसे कलर यूज़ करते हो। बस इस चीज़ का ध्यान रखिए कि स्ट्रोक जो है आपका वन साइडेड रहेगा अप टू डाउन, बाहर नहीं निकलेगा कलर, बाहर नहीं निकालना आउटलाइन से, धीरे करनी है। आप पहले आउटलाइन की साइड्स में आप एक बार कलर घुमा दीजिए और फिर उसके अंदर आपने फिल करना, ठीक है। सो अब देखिए बकेट की जो ये बकेट का जो हैंडल है वो भी आपका पर्पल कलर का होगा, ये मैंने कर दिया पर्पल कलर। ओके सो नाउ अब ये हमारे ऊपर की तरफ बकेट है तो आप इसमें भी हम यहाँ पे हम रेड कलर फिल करेंगे, रेड भी कर सकते हैं येलो भी कर सकते हैं, वट एवर यू वॉन्ट, जो आपको अच्छा लगता है, ऐसा नहीं जो आपको ठीक लगे, ऑरेंज कर दीजिए, ऑरेंज कलर भी अच्छा रहेगा इसमें। हमारा मेन मोटिव है कि हमने इसको कलर पेंटिंग को सुंदर बनाना है। सो सुंदर बनाने के लिए आप इसमें धीरे धीरे चलते रहिए, वन स्ट्रोक धीरे धीरे करते चले जाइए और वो पेंटिंग आपकी सुंदर बनती चली जाएगी। कुछ बच्चे जल्दबाजी का काम करते हैं, जल्दबाजी नहीं करनी, जिसकी वजह से आपका सारा काम खराब हो जाएगा। कलर को शार्प कीजिए और डस्टबिन में थ्रो कीजिए। अगर आपसे कलर शार्प नहीं हो पा रहे हैं किसी वजह से तो आप पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं, वो आपको शार्प करके कलर्स दे देंगे। कई बार क्या होता है कि बच्चों से कलर ये कलर्स लेड जो है टूट जाते हैं और जो आपकी वेस्टेज होती चली जाती है, कलर छोटे होते चले जाते हैं। सो आपको इसमें पेरेंट्स की हेल्प ले लेनी है, याद से आप इस तरह से कर लीजिए। और जहाँ पे आपको लगता है कि छोटा छोटा वाइट स्पेस है उसी स्ट्रोक में उसी डायरेक्शन में आप इसको दोबारा से एक बार कलर कर सकते हो, सो दैट कि हमारी पेंटिंग में कहीं भी वाइट स्पेस ना दिखाई दे। गॉट इट। सो अब जो बीच वाला पार्ट है वो हमारा पर्पल रहेगा, ये वाला कलर पर्पल रहेगा, बट इट मस्ट बी डार्क, ये आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अंदर वाला पार्ट है ही तो ये आपको डार्क दिखाई देगा। तो हम इसको यहाँ पर डार्क कर देंगे थोड़ा, ये हमने डार्क कर दिए। और जो इसकी हैंडल की स्टिक है ये वाली, ये वाला पार्ट है इसका, ये भी आप इसको डार्क कर दोगे। अब जो नीचे कलर गिरा हुआ है इसमें आप पिंक कलर भी कर सकते हो, क्योंकि कलर कहीं भी किसी भी पार्ट में गिर सकता है, हम पिंक कर देते हैं इसमें कलर। स्ट्रोक का तुम्हें ध्यान रखना है, स्ट्रोक का आपने ध्यान रखना कि ये वन साइडेड स्ट्रोक होगा आपका। सी जैसे मैं कर रहा हूँ आप वैसे करोगे, जल्दबाजी नहीं करनी है आपने बेटा, ध्यान से करना है आपने इसको कलर्स को। यस
और इस शीट को आपको कलर करके प्रिजर्व रखना है। इसके बीच में आपको एक न्यूज़पेपर रख लेना है, सो दैट कि जो आपका ये पेपर है वो दूसरे सामने वाले पेपर के ऊपर आपका कलर्स फैल ना जाए। सो इसके ऊपर आप न्यूज़पेपर के एक पेपर का जो है पीस रख सकते हो, जिससे कि वो आपका कलर फैलेगा नहीं। ये देखिए, सिंगल स्ट्रोक। आपको जल्दबाजी नहीं करनी, मैं जस्ट आपको डेमो दे रहा हूँ। आपको जस्ट सिंपल वे में कलर करने हैं धीरे धीरे। सो देखिए, ये आपकी जो है कितनी ब्यूटीफाई हो गई, पेंटिंग कंप्लीट। गॉट इट? यस। सी पेज नंबर 3, क्लास 7, रीड द इंस्ट्रक्शंस फर्स्ट, आफ्टर दैट स्टार्ट कलरिंग। ओके, टेक केयर, बाय बाय।